अगर मैं तुम्हें एक बहुत सिंपल सा लाइफ लेसन दूं कि होप और डिटर्मिनेशन से कुछ भी किया जा सकता है, जो भी चीज़ इम्पॉसिबल लगती है ना, अगर तुम्हारे पास दो चीज़ें हैं, होप एंड डिटर्मिनेशन, तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम कहोगे ठीक है, ये छोटा मोटा लाइफ लेसन सब मिल गया, एक लाइन बोल दी है, तो क्या करूँ इसका, इसके लिए तो मैं इस वीडियो में नहीं आया। बट यही चीज़ एक कहानी के तौर पर प्रेजेंट करती है शॉशैंक रिडेम्पशन। अगर मैं तुमसे कहूँ कि कोई पेरेंट अपने बच्चों के लिए किसी भी हाइट पर जा सकता है, ठीक है, किसी भी लेवल का काम कर सकता है अपने बच्चे को बचाने के लिए, तुम कहोगे अच्छा ओके सो व्हाट। लेकिन इसको फील किसने करवाया? एक वेब सीरीज ब्रीद ने। अगर मैं तुम्हें कहूं विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम कहोगे ओके सो व्हाट। लेकिन इस लाइन को फील किसने करवाया? स्पाइडरमैन ट्रिलॉजीज ने। सो हे गाइस, आई एम कौशल, वेलकम टू अनदर वे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो तुम्हारा हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी का पोर्शन है, इसको कैसे कवर कर सकते हैं इन आखिरी 15 दिनों में, और कैसे मज़े से पढ़ेंगे, क्योंकि भैया ये सब्जेक्ट बहुत बोरिंग है, मुझसे तो नहीं होते, मेरा दिमाग घूम जाता है बाकी सब्जेक्ट से भी, मतलब अब इतना थक जाता हूँ ये सब्जेक्ट पढ़ते हुए कि बाकी भी नहीं पढ़ होते फिर, तो मुझे कोई उपाय बताओ। इस वीडियो में उपाय की बात करेंगे। सो मैंने जो पहले 3 मूवीज़ या वेब सीरीज़ की बात करी, उनमें क्या कॉमन था? कि वो एक स्टोरी की तरह तुम्हें प्रेजेंट हो रही है, ठीक है, तुम्हें मुंह पे तुम्हारे फैक्ट नहीं मारे, स्टोरी की तरह प्रेजेंट हो रही है। सो यही सिंपल पॉइंट है जो बहुत हेल्प करेगा तुम्हारी थ्रू आउट दिस वीडियो एंड थ्रू आउट दिस 15 to 20 days जर्नी। सो जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया कि भाई स्टोरीज क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे आर फर्स्टली इंटरेस्टिंग एंड सेकेंड एंगेजिंग, ठीक है। तुम लाइफ लेसन सीखने आओगे तो बोर हो जाओगे, लेकिन तुम स्टोरीज के थ्रू देखोगे, उस जर्नी को एक्सपीरियंस करोगे तो तुम्हें मजा आएगा। तो इसी के साथ पहला पॉइंट आता है हाउ टू स्टडी हिस्ट्री एंड सिविक्स इफेक्टिवली। मैं कि भाई हिस्ट्री को ना, सिविक्स को स्पेशली, हिस्ट्री के जो चैप्टर हैं, एक कहानी के तौर पर लो, कहानी से भी बेटर एक जर्नी की तौर पे लो। अगर तुम्हारी 10th की बात करें तो इंडियन हिस्ट्री है तुम्हारे पास, कि इंडिया कहाँ से उठा, कैसे उन्होंने, मतलब मुगलों का तो है नहीं तुम्हारे इस बार, ब्रिटिशर्स का ही है, ब्रिटिशर्स का राज झेला, फिर वो वापस उनको भेजा, ठीक है, इतने प्रोटेस्ट वगैरह करके, इतनी मेहनत करके, और उसके बाद कैसे हमने खुद किया, हमने खुद किया तुम्हारे इतना नहीं है, बट वहाँ तक आज़ादी तक तो है। उसके बाद सिविक्स में तुम्हारा आ जाएगा कि हमने क्या कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, क्या किया, ये वो चीज़ें सब आ जाएंगी, ठीक है। तो जर्नी वहाँ पर कंटिन्यू होगी। थोड़ी सी जर्नी तुम्हारी होगी जो यूरोप की कंट्रीज है, उनमें वर्ल्ड वॉर हुआ, सब हुआ, और वहाँ की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको ना ऐसा जर्नी देखो कि भाई ये जो रास्ता इन्होंने लिया, इंडिया कहाँ पे था, कहाँ पहुँच गया, दुनिया कहाँ थी, कहाँ है अब, ये जब तुम इस तरीके से लोगे तो तुम्हें मजा आएगा, तो तुम्हें मजा आएगा। सो फर्स्ट पॉइंट तो अगर तुम्हें बताना हो कि यही है कि हिस्ट्री को ना स्टडी हिस्ट्री एज अ जर्नी, ठीक है, स्टडी हिस्ट्री एज आ कि भाई ये प्रोसेसेस हैं, ये चीज़ें हुई हैं, ठीक है, नॉट एज अ सिलेबस। तुम कहोगे भैया सिलेबस ही तो है, बोरिंग सी, हम क्या क्या कर क्या लेंगे पढ़ने का, उसका भी मैं एंड में बताऊंगा। अब भैया आपने तो कह दिया कि स्टोरी के तौर पे पढ़ो, ठीक है, हम स्टोरी के तौर पे पढ़ लेंगे, लेकिन इससे हमें एक दिक्कत आएगी कि अगर हम चीज़ें याद नहीं कर रहे हैं तो डेट्स कौन याद करेगा, बताओ। नहीं, ये जो फैक्ट्स हैं जो डेट के साथ होते हैं, इन्हें याद कौन करेगा, पेपर में लिख के कौन आएगा। तो भाई साहब एक चीज़ तुम सिंपल सी समझ लो, पॉइंट नंबर टू यही है कि डेट्स ना अपना ख्याल खुद रख लेंगी, तुम्हें उन पे इतना जोर नहीं लगाना। अभी बच्चे पागल हो जाते हैं हिस्ट्री की वजह से कि भाई डेट्स नहीं याद हो रही, डेट्स नहीं याद हो रही, इंक्लूडिंग मी, 8th तक 9th तक मैं भी बहुत ये करता था, पर तुम्हें डेट्स को इतना ध्यान नहीं देना, तुम कहानी के तौर पे पढ़ो, उसकी कॉन्टिन्यूटी के हिसाब से पढ़ो। वो है ना कि भाई साहब आप क्रोनोलॉजी समझिए, आप क्रोनोलॉजी समझिए, तो हिस्ट्री में भी क्रोनोलॉजी समझनी है। डेट्स वगैरह ठीक है याद हो जाएंगी, हिस्ट्री के एग्जाम से एक दिन पहले तो याद करोगे डेफिनेटली, लेकिन अभी बोझ नहीं लेना इस डेट्स का, अभी कहानी समझनी है। तुम में से ना 70% बच्चे ये होंगे एटलीस्ट जिन्होंने अभी तक हिस्ट्री के चैप्टर्स पढ़े नहीं है, और टीचर्स ने ज़्यादा पढ़ाए नहीं है, जो भी एग्जाम्स दिए हैं, मिड टर्म्स दिए हैं, प्री बोर्ड दिए हैं, वो सब क्वेश्चन आंसर याद करके दे दिए, और चाहे ठीक ठाक नंबर आ गए हैं, पर उसका मतलब ही क्या है, तुम्हारे दिमाग में कहानी ही नहीं गई। हिस्ट्री इज अबाउट स्टोरीज, राइट, हिस्ट्री इज अबाउट रियल स्टोरीज। और इसको एक और तौर पर दे सकते हैं कि जो हम देखते हैं हिस्ट्री को, वो बेसिकली वो है कि जो जो बंदा जीतता है वो अपने हिसाब से लिख देता है, ठीक है, इट इज़ अ विनर स्टोरी हम कह सकते हैं। सब कितना इंटरेस्टिंग है ये पर्सपेक्टिव जानना कि क्या क्या हुआ है, प्रॉबेबली, वो भी हमें पक्का नहीं पता। सो एक वो पॉइंट होता है कि भाई क्रोनोलॉजी समझ गए आप, डेट्स जो है वो अपना ख्याल खुद रख लेंगी। थर्ड पॉइंट इज समवट टिपिकल कि भाई सिविक्स पे ध्यान ज़्यादा दो, क्योंकि सिविक्स क्या चीज़ है यार, सिविक्स में इतना टाइम नहीं लगता उसे समझने में, उसे याद करने में, बट वो मार्क्स बहुत कैरी करती है, सेम एज इन एग्जाम्स। सिविक्स लिखने में इतना टाइम नहीं लगता, तुम्हें आता है तुम लिख दोगे फटाफट, 20 मिनट में 30 मिनट में तुम्हारी सिविक्स का पोर्शन पूरा हो जाएगा, लेकिन मार्क्स वो पूरा कैरी करेंगी, ठीक है।
तो तुम्हारे 20-30 जितने मार्क्स तुम उसे बटोर सकते हो बटोर लो। सिविक्स को समझना अच्छे से, कैसे अच्छे से समझना, मैंने 50-50 एक एक घंटे की वीडियो बनाई है पर चैप्टर पे, तुम उन्हें ध्यान से देख सकते हो। बाकी हिस्ट्री की मे बी रिविजन सीरीज, सॉरी अभी बोला था, अभी नहीं बताना, मैंने अभी नहीं बताना। एनीवेज, उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, जो हिस्ट्री का लास्ट है, ज्योग्राफी की बार बात करते हैं, इज कि भाई अपने आप को समझो। तुम कहोगे ये क्या पॉइंट है, दिस इज अ साइकोलॉजिकल पॉइंट, ये तुम्हारे दिमाग के साथ एसोसिएटेड है। जो चीज़ें हो रही हैं वो इंसानों के द्वारा हो रही हैं, जो हुई थी, ठीक है, हमने इतिहास बनाए, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया, ठीक है। बेसिकली बच्चों को सिविक्स बोरिंग लगती है, पर तुम्हें ना अपनी अपने दिमाग को उनकी जगह पे रख के देखना है जिन्होंने बनाया, ठीक है, बी आर अम्बेडकर जी और ऐसे बहुत सारे जो लोग थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, या फिर प्राइम मिनिस्टर को उतनी पावर्स दी, प्रेसिडेंट को उतनी पावर्स दी, हाई कोर्ट, ये वो, जजेस के बारे में सोच के देखो, उनकी जगह पे अपने आप को रख लो और तुम सोचो कि यार ये रूल क्यों बनाया होगा, ठीक है, मैं क्यों रख रहा हूँ ये रूल को, फिर तुम्हें आंसर्स मिलेंगे, फिर वो लॉजिक के साथ कनेक्शन बैठेगा ना भाई साहब, वो तुम्हारी क्लास में किसी को नहीं पता होगा और वो तुम्हें, देखो टेंथ में तो हेल्प करेगा डेफिनेटली, पर आगे भी बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज हमें लगता है कि भाई सिविक्स हमारे किसी काम के नहीं है, सिविक्स ही तो काम की है, तुम्हें अपने राइट्स पता होने चाहिए, तुम्हें अपनी ड्यूटीज पता होनी चाहिए। हमें लगता है कि सिविक्स तो भाई थियोरेटिकल है, सिविक्स तो इतनी प्रैक्टिकल है भाई साहब, तो डू टेक केयर ऑफ दैट। सो फिफ्थ पॉइंट इज अबाउट योर ज्योग्राफी, कि भाई ज्योग्राफी को ना इतना क्रिब करने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत बच्चे देखता हूँ कि भाई यार ये क्या टोपोग्राफी हमारे सिर पे आ गई, हमसे होनी रही, हमसे होनी रही, मैप्स मुझसे याद नहीं हो रहे, मैप्स मुझसे याद नहीं हो रहे, और वो ये बोलते रहते हैं, कभी कोशिश नहीं करते याद करने की, कभी समझते नहीं है, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई याद करो या ये सब चीज़ें मत करो, ठीक है, मैं मतलब आई एम अगेंस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स रोट लर्निंग, बट हमेशा नहीं, ज़रूरत है तो करनी पड़ेगी। क्रिब करने से तो बेटर ही है ना कि तुम कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहे हो, कुछ याद कर रहे हो, कुछ समझ रहे हो। तो टोपोग्राफी कैसे निकालनी है ये स्किल है, ठीक है, ये तुम्हें समझनी है। अब तुम कहोगे ये बार में कैसे हेल्प आएगी, ठीक है, ये मे बी 11th 12th में ना आए, ठीक है, अगर तुम इन केस ज्योग्राफी नहीं ऑप्ट करते और ऐसे सब्जेक्ट में नहीं जाते SST वगैरह में, तो नहीं काम आएगी, बट अभी नीड फॉर एन आर है तो इतनी तो बेसिक आनी चाहिए ना, ये जो 5-10 नंबर हैं ये तो इकट्ठे हो जाए। सो क्रिब नहीं करना है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है इसका, ठीक है, तुम यूट्यूब से करो, तुम बुक से करो, तुम अपने टीचर से करो, बट ये चीज़ करनी है। तो एक दिन दे दो इसे अपने प्रिपरेशन का और तुम कहो कि मैं एक दिन टोपोग्राफी पूरी अच्छे से करके बैठूंगा अगले दिन। और मैप्स कैसे रखो कि रोज़ मैं कोई एक मैप प्रैक्टिस करूंगा, ठीक है, संडे को जितने हफ्ते में 6 की हैं वो सारे फिर से करूंगा, अभी तुम्हारे पास 2 हफ्ते हैं, आराम से हो जाएंगे। उसके बाद अगला ही पॉइंट आता है कि भाई साहब क्वेश्चन आंसर्स नहीं करने, तुम कभी क्वेश्चन आंसर्स नहीं करने। मैंने ना बहुत बच्चों को देखा है, मेरे काफ़ी दोस्त होते थे, मैंने कभी कोशिश नहीं की टू बी ऑनेस्ट, बट मेरे काफ़ी दोस्त ना ज्योग्राफी उनको भी बोरिंग लगती थी जैसे मुझे लगती थी, तो वो क्या करते थे, क्वेश्चन आंसर्स याद करने लग जाते थे। मुझे जितनी भी बोरिंग लगी है ज्योग्राफी, मैंने कभी क्वेश्चन आंसर्स नहीं किए, ठीक है, मतलब अगर मैं 7th के बाद की बात करूँ, उससे पहले का मुझे ज़्यादा याद नहीं, ठीक है, 8th 9th 10th में तो मैंने नहीं किए, मैं चैप्टर पढ़ के ही जाता था, ठीक है, आई विल रीड द चैप्टर और वॉच एनी यूट्यूब वीडियो, समझ गया मैं, ठीक है, लिख दूंगा, कभी नंबर ठीक है 60-70s भी आए हैं, कभी नंबर 95-96 भी आए हैं, ठीक है। मैं वो नहीं कह रहा कि भाई मेरे हमेशा हाईएस्ट ही रहे हैं, हमेशा मीडियम में रहे हैं, बट तुम्हें क्वेश्चन आंसर्स एटलीस्ट इस मोमेंट पे नहीं करना भाई। बोर्ड से एक दिन पहले ठीक है रिवीजन के लिए क्वेश्चन आंसर्स आर गुड, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स होते हैं मिक्स्ड, बिकॉज डेफिनेटली क्वेश्चन आंसर्स का मतलब क्या, प्रैक्टिस करानी है उन्होंने, तुमने चैप्टर पढ़ा, तुमने चैप्टर समझा, क्या सीखा, वो चीज़ वो हमेशा चाहते हैं कि क्वेश्चन आंसर्स में रिफ्लेक्ट हो। तो क्वेश्चन आंसर्स हमेशा उल्टे पुल्टे दिए जाएंगे, क्रोनोलॉजी में नहीं होंगे और तुम्हें लॉजिक समझ नहीं आएगा, तुम याद करके बैठ जाओगे। जैसे क्वेश्चन आंसर्स करने से पता क्या होगा, तुम्हारे पास सारा नॉलेज है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स विल कवर मोस्ट ऑफ योर चैप्टर एनीवे, बट वो ना तुम्हारे दिमाग में नॉलेज है पर कनेक्टेड नहीं है। जैसे तुमने कोई ऐसा इंस्टाग्राम पे पोस्ट वगैरह देखी होगी ना कि स्किल क्या होती है और डिग्री क्या होती है, ऐसा वो सब चीज़ें, एक्सपीरियंस क्या होता है, तुम्हारे पास नॉलेज भरी होगी दिमाग में, लेकिन नॉलेज के ना डॉट्स अलग अलग ऐसे अलग अलग जगह पे हैं, कनेक्टेड नहीं है। कनेक्ट कौन करेगा, लॉजिक, लॉजिक कहाँ से आएगा चैप्टर रीड करने से। ऑल्सो ज्योग्राफी इज सो रिलेटेड यार, ऑल्सो ज्योग्राफी इज सो रिलेटेड यार, मतलब तुम एक चैप्टर पढ़ रहे हो फिर दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हो, कितना रिलेशन है दोनों के बीच में। अभी मैंने 3-4 वीडियोस बनाई है, मुझे लग गया कि यार ये तो बहुत ईजी है एक्सप्लेन करना, अगर तुमने पहला चैप्टर देखा तो दूसरा आ जाएगा, तीसरा देखा चौथा आ जाएगा। क्लाइमेट के बारे में जान गए हो, ठीक है, तो रेनफॉल वगैरह के बारे में जान गए हो, तो वेजिटेशन और सॉइल के बारे में जानना कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ डेफिनेटली कुछ मिनरल्स वाले चैप्टर जो होते हैं वो थोड़ा अलग एरिया में चले जाते हैं, बट वो भी ऐसा नहीं कि हो नहीं सकते, किए जा सकते हैं, ठीक है। रैबी क्रॉप्स वगैरह तो ऑब्वियसली सॉइल से रिलेटेड है, वो तो हो ही जाएगा। तो काफ़ी चीज़ें तुम्हारी रिलेटेड है, अगर तुम एक सीक्वेंस एक स्ट्रेच में पढ़ते रहो ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ये कॉन्सेप्ट ये कॉन्सेप्ट, चीज़ें होने लग जाती हैं। तो ज्योग्राफी का तो सिंपल है, सीक्वेंस को फॉलो करो, ठीक है। हिस्ट्री में भी कहानी वाले पोर्शन कर सकते हो, देखो सिविक्स में जरूरत नहीं होती, तुम चाहे पहला कर लो, चाहे 6वां चैप्टर कर लो, चाहे 5वां कर लो, सेम थिंग, ठीक है ऑलमोस्ट। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है, हिस्ट्री के जो कहानी वाले चैप्टर्स हैं उनमें तुम्हें ये चीज़ करनी है। अगर तुम इस वीडियो में अभी तक बने रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन डेफिनेटली आया होगा कि पर भाई
ये जो सब्जेक्ट्स हैं एसएसटी के, ये मेरी अब कहाँ मदद करेंगे बता। 10th के बाद आर दे मतलब क्यों पढ़ूँ मैं, आर दे वर्थ इट इवन मेरा टाइम, क्योंकि बाद में तो कभी काम आएंगे नहीं ना मुझे। सिंपल एज दैट, इसका आंसर इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना। ज्योग्राफी की बात करूँ तो यार अपने देश के बारे में जानना तो अच्छा ही लगता है सबको, एंड ठीक है तुम इंडिया में हो तो इंडिया के बारे में पता होना चाहिए। ये सिंपल, मैं ही नहीं कह रहा तुम टूरिस्ट डेस्टिनेशन में टूरिस्ट वो बनोगे या कुछ करोगे, बट इट जनरली हेल्प्स। ठीक है, एटलीस्ट पता नहीं, मैंने तो यार जैसे मैंने कहा मुझे पूरा साल बोरिंग लगती थी, बट आखिरी में मुझे क्यों इंटरेस्ट नहीं लगी यार, मैं तुम्हें अपना राज बता रहा हूँ कि मैंने फिर सोच लिया यार कि मतलब इतना सिंपल तो है चीज़ें, अपने आसपास की चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ना, तो अगर हम इन्वायरमेंट को स्टडी करना जान गए कि कैसे होती हैं चीज़ें सब, तो हम अपने आप को भी जान जाएंगे। मेरा मतलब बहुत बकवास लॉजिक था, बट मैंने ये फॉलो किया। हिस्ट्री ऑन द अदर हैंड, मैं उसे बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर करता हूँ, बिकॉज हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हमें लगता है कि नहीं भाई हिस्ट्री जो इतिहास है वो तो पुराना है, वो काम नहीं आता ज़िंदगी में। इन्वेंशंस वगैरह चाहे नई हो रही हैं, साइकोलॉजी वही रहेगी, ठीक है, ह्यूमंस की जो बेसिक नीड्स हैं वो अभी भी चेंज नहीं हुई हैं, उनके फॉर्म्स बदल जाएंगे। क्या है ह्यूमंस के बेसिक नीड्स अगर तुमने सुना हो, ठीक है, खाना चाहिए, रिप्रोडक्शन चाहिए, क्या कि स्पीशीज आगे बढ़ती रहे, खाना क्योंकि हम सर्वाइव कर पाएं, और क्या है, और क्या चीज़ें होती हैं कि रहने को ये वो। अब देखो इसमें तुम लेयरिंग कर सकते हो, लेयरिंग पे आधे से ज़्यादा बिजनेस तो इसी लेयरिंग पे चलते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल्स के लिए तुम कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, बट बेसिक स्ट्रक्चर तो यही है ना, ये डोपामीन वगैरह ये वो अब थोड़ी आया है, ये तो बहुत देर का हमारे दिमाग में है ही है, ठीक है, ये सब केमिकल्स वगैरह। सो वही चीज़ है यार, ह्यूमंस तो वही रहेंगे, ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ें बदल जाएंगी, इन्वायरमेंट बदल जाएगा, लेकिन बेसिक दिमाग जो बेसिक डिज़ायर है, जो वो उसे हम कहते हैं ना इनवॉल्यूंटरी, हमारे दिमाग की चीज़ें हैं जिसे हम कंट्रोल नहीं करते। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, आर दे वर्थ इट, येस। वाई? बिकॉज ये कोट शायद तुमने सुना हो या ना सुना हो, बट लेट मी टेल यू कि हार्ड टाइम्स क्रिएट स्ट्रांग मैन, स्ट्रांग मैन क्रिएट गुड टाइम्स, गुड टाइम्स क्रिएट वीक मैन, एंड वीक मैन क्रिएट हार्ड टाइम्स। इट्स ऑलवेज अ सर्कल जो हमेशा फॉलो होता है। तुम कोई भी साम्राज्य उठा के देख लो, कोई भी चीज़ उठा के देख लो, उनके बीच में पहले बहुत एक तकड़ा रूलर आया होगा जिसने पूरी दुनिया बदल दी, दुनिया तो नहीं मतलब अपने पूरे साम्राज्य को खड़ा कर दिया एक बहुत तगड़े लेवल पे। उसके बाद उनके पास इतना पैसा इतना कुछ आ गया रिचेज कि वो आराम से जीने लग गए, वहाँ पे उनका पतन होना शुरू हो गया, वहाँ पे उनका डिक्लाइन शुरू हो गया। एनीवेज आज की वीडियो को यही समअप करते हैं, आई होप तुम्हें चीज़ें समझ आई हो, एंड ऐसे ही ना लाइफ को समझना है हमने, ठीक है। तुमने कभी देखा हो कि भाई इतने जो रूलर्स थे, बहुत बड़े बड़े जो साम्राज्य थे, बहुत बड़ी एम्पायर थी, वो क्यों बिखर गई? उनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। ब्रिटिशर्स ने आके नहीं बाहर से कुछ किया, या किसी और ने आके नहीं किया, हाँ उन्होंने डेफिनेटली अटैक्स किए, बट हम जीत रहे थे मेजॉरिटी ऑफ द फाइट्स। हम क्यों हारे? बिकॉज अंदर का कोई भेदी था, ठीक है, अंदर का कोई बंदा था जो कि हरा पाया, ठीक है, जो कि जिसने इन्फॉर्मेशन लीक करी, जो कि आज के टाइम पे भी अप्लाई होता है बिजनेस वर्ल्ड पे। एंड अगर तुम बहुत पीछे चले जाओ, रामायण के टाइम पे चले जाओ, ठीक है, तो राम जी वगैरह को कैसे पता लगा कि रावण को कैसे मारा जा सकता है, ठीक है, उनकी धुंडी में लाइक तीर मार के अमृत है वहां पे, एंड वो सब चीजें विभीषण से ना। हिस्ट्री दैट पास्ट, ये जो मुगले वगैरह जो ये सब साम्राज्य का पास्ट तुम पढ़ते हो, एंड जो आज का प्रेजेंट चल रहा है जो कि फ्यूचर में पास्ट बन जाएगा, दे आर ऑल द सेम, दे आर ऑल रिलेटेड। सो आई होप तुम्हें कुछ चीज़ें मज़ा आया हो, समझ आया हो, एंड इस वीडियो के बाद तुम पूरे एंथुसियाज्म से और पूरे मज़े से पढ़ोगे इन दोनों सब्जेक्ट्स को, क्योंकि मुझे तो मज़ा आ रहा है, ठीक है, लाइक सही में मज़ा आता है वीडियोज़ बना के। एनी वेज आई होप यू गॉट सम न्यू इनसाइट्स फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस हियर, एंड नमस्ते।